मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से अपने 173 के साथ 173 शो के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो सच्ची और अच्छी बातों के साथ और आज का शो में इंसानियत के हवाले से कि इंसानियत के हवाले से कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, सियासत के साथ साथ खून खराबा भी जोरों पर है, झूठ और जबर भी जोरों पर है। तो इस हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती के लिए दुआ करनी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करनी है जो बहुत सारी दहशतगर्दी में मारे गए, दो सियासतदान चले गए, और इन बातों के लिए कि खुदा हम सबको, हमारी मसीही कौम को भी खास तौर पर अपनी हिफाजत और निगाहबानी में रखे। इन दिनों में बड़ी सोच समझ कर हर बात को, हर चीज को करने की हमें हिम्मत और ताकत दे। तो सबसे पहले तलावत कलामे पाक, आज की तलावत जबूर 18 उसकी 25 आयत से लेकर 30 आयत तक पढ़ूंगा। तो यूं मरकूम है, रहम दिल के साथ तू रहीम होगा, बिल्कुल रहम दिल के साथ तू रहीम होगा, और कामल आदमी के साथ कामल, नेकोकार के साथ नेक होगा, और कजरू के साथ टेढ़ा, क्योंकि तू मुसीबत ज्यादा लोगों को बचाएगा, क्योंकि तू मुसीबत ज्यादा लोगों के साथ क्यों मुसीबत ज्यादा लोगों को बचाएगा, लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा, लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा, इसलिए कि तू मेरे चिराग को रोशन करेगा, खुदावन मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला करेगा। बहुत खूबसूरत खुदा का मीठा कलाम, खुदावन मेरा खुदा मेरे अंधेरे को उजाला करेगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत द्वार फांद जाता हूँ, लेकिन खुदा की राह कामल है, खुदावंत का कलाम ताया हुआ है। खुदावंत के आज के जिंदा और मीठे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत अपनी बड़ी बरकत बख्शे। और आज का शो मेरा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 173 शो है। और सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा कि आज मुझे उन लोगों को जो दहशत गर्दी का शिकार हो गए हैं उनके लिए दुआ करनी है और अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है, जहां पर अमन और सलामती की बहुत सख्त जरूरत है। तो मेरे साथ अपने हाथ उठाएं, दुआ में शामिल हो और खुदा के सामने दुआ करें के अपने मुल्क में अमन और सलामती पैदा करे। बाप जी, तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए जो तूने मुझे दिया कि मैं तेरे सामने, तेरे बंदों के सामने तेरी सच्ची अच्छी बातों का इजहार कर सकूं। और आज खास तौर पर मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जो कोटे में, पिशावर में और जहां जहां भी दहशत गर्दी का शिकार हो गए, उन लोगों के लिए कि खुदा तू वहां पर अमन और सलामती पैदा कर और उनके खानदानों को खुदा बाप जी बड़ी तसल्ली और सबर अनायत कर, और उन लोगों को खुदा बाप जी जो भी इस किस्म का गंदा काम जो खुदा बाप जी तेरे बंदों को मारते हैं उनको भी कैफरे करता तक पहुंचाने वाला हो, और हर तरह से हमारे मुल्क में अमन और सलामती पैदा कर। जहां पर इलेक्शन के दिन है और इलेक्शन के दिनों में झूठ भी जोरों पर है, तो उनको अकलो दनाई अता कर कि जिन्होंने अपनी कौम को, हमारे लोगों को आगे लेकर चलना है, तो अगर पहले जो उनकी बुनियादी झूठ होगी
तो कैसे हमारा मुल्क अमन और सलामती की तरफ जाएगा। वो हमारी कौम को जो मुल्क पाकिस्तान में है, मसीही कौम को हर तरह से तू अपनी हिफाजत और पनाह में रख, अमन और सलामती में रख, और अकल और दिनाई अता कर कि हम बड़ी सोच समझ के साथ, सूझबूझ के साथ अपने अच्छे लीडरान को अच्छे लीडर चुनने वाले हो और अपने वोट का सही हक इस्तेमाल करने वाले हो। तू बड़ी बड़ी बरकत दे खुदावर जी हमारे आने वाले वक्त को, मुस्तकबिल को बहुत खूबसूरत बना। ये मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो मैं आज का अपना शो शुरू करता हूँ, और जैसे मैंने पहले क्वेटा के हवाले से या और दूसरी जगह जहां जहां भी दहशत गर्दी हुई, तो वहां पर एक बड़ी अच्छी पोस्ट एंथोनी मंजूर लिखते हैं, क्वेटा और बन्नू की दहशत गर्दी पर पाकिस्तानी मसीह अफसुरदा है। बिल्कुल, कोई भी जही शूर जो इंसान और इंसानियत से मोहब्बत रखता है, जाहिर है वो परेशान है। हमारी मसीही कौम भी अफसुरदा है। मुतासरा खानदान के लिए सबर और जख्मियों के लिए सेहत याबी की दुआओं में सर बसजूद है। बिल्कुल, हम जैसे मैंने अभी दुआ की जो एंथनी साहब ने लिखा, एंथनी मंजूर ने, कि खुदा हम सब परेशान है, मसीह कौम इस हवाले से दुआ करती है कि खुदा बाप अमन और सलामती पैदा करे। और उसके बाद जो है बहुत खूबसूरत दो शेर लिखे हैं शरीफ अंजम साहब कसूर से हैं, मोहम्मद शरीफ अंजम साहब कसूर ने बहुत अच्छी पंजाबी शायरी करते, उन्होंने लिखा है अखिया दे विच कैर परे ने, इलेक्शन च हो रहा है, हालांकि इलेक्शन जमहूरियत के नाते हो ले, लेकिन जमहूरियत की नाते को नहीं वेखी। ते अंजम साहब लिखते ने अखिया दे विच कैर परे ने, बोला दे विच बोला दे विच जहर परे ने। अंजम साहब कह रहे ने कि अखिया च जहर परे ने, गोली मारन नू तैयार ने एक दूसरे नू, उंज इलेक्शन होना है, लोकां लई मुहब्बत करना है, लेकिन जहर परे ने, इन्ने जहर परे ने के बम ब्लास्ट हो रहे ने, लीडरान मर रहे ने, लोकी मर रहे ने, ते ए इलेक्शन आ रहे ने साडे मुल्क। इलेक्शन ते बड़ा प्यार मुहब्बत ते सोच समझ के लीडरां नूं आना चाहिए, लेकिन जिन्ने भी लीडर ने एक दूसरे दे बुराई दे अलावा, झूठ दे अलावा, एक दूसरे नूं नीचा दिखाण दे अलावा कोई काम नहीं कर रहे, अखियां दे विच जहर भरे ने, बोलां ते विच जहर भरे ने, खबरे बंदे किथे चले गए, खबरे बंदे किथे टुर गए। सच्ची बात, अभी मैं एक पोस्ट पढ़ूंगा, जिन लोगों ने खाद में अल्लाह के हलास से काम किया है तो वो बंदे चले गए, जिन्होंने अच्छे काम किए, जिनकी सोचे अच्छी थी, जिनके किरदार अच्छे थे, वो अब बंदे नहीं रही। अब तो बंदे जोरे बाजू से झूठ बोल के अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। खरे बंदे किथे टुर गए, वैशियां दे नाल शहर पर। क्या बात है अंजम साहब, वैशियां दे नाल शहर पर ने, सच्ची गल, लीडर भी वैशी बने ने। एक की 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 मसला है कि इलेक्शन हो रहे ने, कि बम ब्लास्ट हो रहे ने, किस तेरी चीज का मुकाबला हो रहा है। खुदा दे वास्ते कुछ अच्छियां गल्लां सोचो, अगर मुल्क नू अगे लैके वधना है ते बहुत खूबसूरत। ते शेरी मुगल लाहौर से उन्होंने लिखा, मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये बात और है कि मुझे साबित करना नहीं आता। ये बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सच्ची, 100% सच्ची बात है कि मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, लेकिन ये और बात है कि मुझे बातों को सच साबित करने की इतनी हिम्मत नहीं है। तो इसके बाद बहुत खूबसूरत पोस्ट जो है जॉन मंटो साहब ने लिखी है इलेक्शन के हवाले से,
मैं समझता हूं कि एक तारीखी चीज उन्होंने लिखी है, जो जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो आज वही हालात, बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज का खुद गवाह हूं कि उस वक्त मैं बिल्कुल अपने पूरे मतलब मैं जानता था हर चीज को मेरे सामने हुई। 65 की जंग ने स्कूल में था और जब ये दो हिस्से हुआ पाकिस्तान 70 में, उस वक्त मैं अपना जो जिंदगी का सफर शुरू कर चुका था गोजरे में, मैं सेंट अल्बर्टा स्कूल में जॉब कर रहा था जब ये मैंने गवाही भी दी थी इस बात की। तो जान मंटो साहब लिखते हैं, जो नस्ल पूछ रही है कि 1971 में मुल्क कैसे टूटा, बिल्कुल आज की नस्ल जो नौजवान नस्ल है जिन्होंने ये नहीं सब कुछ देखा था, लेकिन हमने अपनी आंखों से ये सारे वाकया देखे। नई नस्ल पूछ रही है कि 1971 में मुल्क कैसे टूटा, बिल्कुल यही हालात थे अदारे सरकशी पर हमारा, बिल्कुल सच्ची बात। मंटो साहब बहुत खूब आपने ये पोस्ट लिखी और एन वक्त पर लिखी है कि ताकि हमारे लोगों को अकलो दनाई आ जाए। अभी चंद दिन रह गए हैं, जैसे आपने लिखा कि थिएटर 25 तारीख का तक खुला है, लेकिन इस थिएटर का अंजाम क्या होगा ये तो ऊपर वाला जानता है कि अदारे सरकशी पर आमादा थे, अदलिया दबाव के तहत एक तरफा फैसला कर रही थी, बिल्कुल ये सच्ची बात है। और आज भी पता नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सच बात है कि बहुत सारा दबाव है, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो अदलिया दबाव के तहत एक तरफा फैसले कर रही थी। एक अक्सरियत पार्टी को हराने, ठीक है, एक अक्सरियत पार्टी को हराने, एक और दूसरी पार्टी को जबरदस्त जितवाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, बिल्कुल 100% ये सच्ची और अच्छी पोस्ट। और वाकई एक तारीखी बात है कि एक पार्टी को हराने के लिए ये सब कुछ हो रहा था। और आज भी वो जो पार्टी के लीडरान अभी जेल में चले गए या जाने वाले होंगे, जाहिर उन्होंने बहुत सारे हालातों वाकया अच्छे नहीं किए, लेकिन फिर भी हमें अपनी सोच समझ के साथ हम फिर भी अभी भी नारे लगा रहे हैं नवाज शरीफ के, तो फिर हमारी अकलोदनाई कहाँ है? ठीक है उमरान भी ठीक है या जो भी है, लेकिन हमें ये सोच समझ कर करना चाहिए कि जो अवाम के लिए अच्छा हो। जमहूरियत का नाम तो मुशर्रफ भी ले रहा था, सियासा भी जमहूरियत का नाम ही लेते रहे, लेकिन जो जमहूरी हुकूमतें आई उन्होंने जमहूरियत का क्या किया? उन्होंने डिक्टेटरशिप की और डिक्टेटरशिप ही हो रही है। जमहूरियत तो सिर्फ नाम की है इस्लामी पाकिस्तान में, तो हमें अगर जमहूरियत को चलाना है, जमहूरियत को पढ़ना है, तो पढ़े और जमहूरियत चलाने की कोशिश करें और दूसरे मुल्कों को देखें कि जमहूरियत कैसे चल रही है। इंसानियत कहाँ? जहां पर इंसानियत को, इंसान को इंसानियत के साथ समझा जाता है, जहां पर इंसान को इंसान समझा जाता है, ये सब कुछ आज एक मतबा फिर बिल्कुल इसी तरह दोहराया जा रहा है। फिर ना कहना कि ये मुल्क कैसे टूटा, बिल्कुल ये 1970 और 71 के वाकयात के बात है कि बिल्कुल इसी तरह फिर सब कुछ चल रहा है, वो तारीख को दोहराया जा रहा है आज इतने सालों के बाद। तो जरूर हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचना होगा। फिर लिखा है दूसरी बात, मंटो साहब कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्द
हम लोग का सबसे ज्यादा शिकार एएनपी रही है, जान मंटो। मैं कह चुके दो लीडर, एक पिशावर में एक कोयटे में, दोनों लीडर जो थे वो एएनपी के ही मारे गए, शहीद हुए, और सात सैकड़ों लोग मारे गए। क्या क्या इलेक्शन है, क्या इंसानियत, क्या हमदर्दी है। अबा करके हम, आप एक बंदा अपने आप को बम ब्लास्ट में तबाह करके जन्नत में चला जाता है और इतने इंसानों की जाने लेकर क्या वो जन्नत में जाएगा? ये आप सोचे, हमें सोचना चाहिए कि जो लोग भी जब इन चीजों को, उन बच्चों को, उन नौजवानों को तैयार करते हैं, उनका जहन खत्म कर देते हैं, सिर्फ उनके जहन में एक ही बात होती है कि तुमने जन्नत में जाना है, इस्लाम को खतरे से निकालना है। तो ये कैसे, कैसा इस्लाम है, कौन सा इस्लाम है जिसकी, जिसका ये प्रचार कर रहे हैं लोगों को मार के, लीडरान को मार के। तो उसके बाद श्री मुगल की बहुत अच्छी पोस्ट, बिछड़ जाने वाला रिश्ता हमारे जिस्म में मौजूद एक एहसास को मुर्दा कर देता है। बिल्कुल ये भी सच्ची बात है, बिछड़ जाने वाला रिश्ता हमारे जिस्म में मौजूद एक एहसास को मुर्दा कर जाता है। कुछ लोग हमारा यकीन मार जाते हैं, कुछ सारा, कुछ प्यार, कुछ इत्मीनान और कुछ हमारी खुशियां। ये बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सच्ची बात है। उसके बाद मैं एक और बहुत खूबसूरत बात, अच्छी और सच्ची बात, इंसान का करदार संदल, संदल की दरख्त की मानद होता है। ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है, इंसान का किरदार संदल के दरख्त की, दरख्त जैसा होना चाहिए जो खुद पर कलहाड़ी के जरब खाकर भी कलहाड़ी को खुशबू से महका देता है। बिल्कुल सच्ची बात, ऐसा किरदार होना चाहिए कि हम जब दूसरों के सामने अच्छा किरदार करें, अगर वो अच्छी अक्ल और बिनाई और इंसान, इंसान और इंसानियत को समझते हैं, तो इस करदार की वजह से वो कुछ सबक हासिल करें। जैसे ये इस्लामे पाकिस्तान की पोस्ट है, जैसे हवाला दे के संदल की दरख्त की माने कि जब कलहाड़ी बाहर करती है वो दरख्त तो कट जाता है, लेकिन उस कलहाड़ी में, उस कलहाड़ी के ऊपर से खुशबू आ जाती है। कितनी खूबसूरत बात है। नादिया यूसुफ लाहौर से लिखती हैं, और फिर एक वक्त आता है, बिल्कुल ये भी 100% सच्ची बात है, और फिर एक वक्त आता है जब दिल से सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। बिल्कुल एक सच्ची बात, इसका मैं गवाह हूं, और मैं इस गवाही देता हूं कि इंसान का एक वक्त आता है कि सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और दिल चाहता है कि बस वही हो जो खुदा चाहता है, क्योंकि उसने दुनिया देख ली, उसने रिश्तेदारियां देख ली, उसने दोस्तियां देख ली, और कुछ सब कुछ देख लिया, तो फिर आखिर में जाहिर है कि उसका दिल और उसका दिमाग सिर्फ खुदा की तरफ ही होता है कि खुदा बाप जी तू जो करे, जो तेरी मर्जी, आमी। तो ये वक्त वक्त की बात होती है। तो आदिल अमीन ने लिखा शेर, मैंने बहुत बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर, मैंने जितनी बहारें देखी है, मैंने जितनी बहारें देखी हैं, मुझ पे उतनी ही खजाएं गुजर रही। सच्ची बात है, बहुत बहारें देखी, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, अपनी जिंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारा, तो सब बहारें देखी, लेकिन आज जितनी बहारें देखी उतनी खजाएं इंसान के ऊपर आ जाती हैं। जब वक्त भी जाता है तो फिर जो बहारें देख के मजे लिए होते हैं, फिर वो सारी खजाएं उन पर शुरू हो जाती हैं। शमशन तबरेज रवीना न्यूयॉर्क से, मेरे दोस्त, मेरे भाई आलमी से, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक नज़म लिखी है,
आए खुदा तू ही रही वो अजीम है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि तू ही अरीम रहीम और अजीम है, उससे बड़ा कौन है, खुदा से बड़ा कौन हो सकता है, ना कोई है ना होगा, क्योंकि वो खालक और मालिक है, कलाम और नाम तेरा सराते मुस्तकीम है, बिल्कुल उसका कलाम, अगर हम उसके कलाम पर जाएं, उसके कलाम को पढ़ें तो सराते मुस्तकीम है, हमें बिल्कुल सीधे रास्तों पर लेके जाता है, अगर हम इस पर पढ़े इस पर अमल करने वाले बने तो हम बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलेंगे, हम जो हमारी झूठ बोलने की आते हैं जो मुनाफ़त है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी, खास तौर पर इन दिनों में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कलाम की वजह से हम मसीहों में सब कुछ ठीक हो सकता है, हर सूफ़ज़ाओं में है तेरी खुशबू, सच्ची बात है, अगर हम गौर से देखें तो हर तरफ हमें खुदा ही नजर आएगा, खालक को मालक ही नजर आएगा, को उसकी कारागरियां तो उसकी सारी कुल कायनात हमें नजर आएगी, तू ही बादे सुबह तू ही बादे शमीम है, क्या बात है, तू ही बादे सुबह, सुबह की हर वक्त तू ही हर तरफ मौजूद है, बेशक दिलों गुर्दों को चाहता तू जानता है तू, बिल्कुल वो एक ऐसी हस्ती है कि वो हमारे दिलों को गुर्दों को जानने वाला है, हम दुनिया के सामने तो झूठ बोलते हैं बोल रहे हैं बोलेंगे, कैदो बंद में जाकर भी हम अपनी आदतें नहीं बदलते, हालांकि कैद या सजा इसलिए सुनाई जाती है कि शायद इंसान इंसान का बच्चा बन जाए, उसमें कोई इंसानियत आ जाए, लेकिन हमारे मुल्क की कैद से हम ज्यादा बुराई के लिए मजबूत होकर बाहर आते हैं, बेशक दिलों गुर्दों को जानता है तू, तू ही आका तू ही अकल तू ही फहीम, बिल्कुल तू ही आका है तू ही मालिक है, तुझ जैसी अकल किसी की नहीं हो सकती और ना है, तू ही अकल है तू ही जसीम, बहुत अकल वाला बहुत बड़ा खुदा खालक और मालिक खुदा है, तेरे सारे फैसले हैं रब, बिल्कुल जो खुदा फैसला करता है वो बिल्कुल पक्के और अटल होते हैं मजबूत होते हैं, तू इरादों का मजबूत और महीम है, बिल्कुल खुदा जो इरादा करता है वो इंसान का इरादा नहीं वो खुदा का इरादा है, हमारे इरादे तो डमाडोल होते हैं, एक वक्त हम मजबूत हो जाते हैं और दूसरे वक्त हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन खुदा कभी कमजोर नहीं पड़ता, खुदा का जो फैसला होता पक्का होता है अटल होता है, क्योंकि वो खुदा है और खालिक और मालिक खुदा है, कुल कायनात का खालिक और मालिक खुदा है, ऊंची सुची पाक जात है तेरी, क्या बात, ऊंची सुची, बहुत अच्छे शमस साहब बहुत अच्छा लिया, ऊंची सुची सच्ची खूबसूरत सुची, जिन्हें बड़ी सुची गल की है तो शमस साहब ने बड़ी सुची गल की है, ऊंची सुची पाक जात है तेरी, तू ही दनाई कुल तू ही आलमो अजीम है, बिल्कुल जो तू बात करता है सच्ची करता है सुची करता है अच्छी करता है सोनी करता है खूबसूरत करता है, क्योंकि तू बनाए कुल और तू ही आलमो अजीम है, क्योंकि वो आलम है कुल, ना उसका शुरू है ना उसका आखिर है, ना ही बंदे ने तो फानी है, उसने तो जाना ही जाना है, लेकिन वो गैर फानी है, उसने कभी भी इस दुनिया पर मौजूद रहना है, क्योंकि उसने इसको बनाया है, इंसान से मोहब्बत की है और मोहब्बत कर रहा है, और इससे बड़ी क्या मोहब्बत है कि उसने अपना बेटा हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान कर दिया, ये बहुत बड़ी जात है, आए खुदा तू रहीम और अजीम है, हम कलामो नाम तेरा सराते मुस्तकीम है, बहुत अच्छे शमर साहब, उसके बाद मैथ्यू मोसन लिखते हैं पिंडी से, बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, बेहतर बिल्कुल सच्ची बात है,
बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। पाकिस्तान में तो बहुत अच्छी बातें दीवारों पर लिखी होती हैं, लेकिन अच्छा इंसान अपने करदार से पहचाना जाता है कि क्या उसका करदार है। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ी थी, तो इंसान को अपना करदार अच्छा रखना चाहिए। झूठ झूठ ही होता है और सच सच ही होता है। हम जितना मर्जी झूठ बोल बोल के इसको सच साबित करने की कोशिश करें, जैसे हमारे लीडरान करते हैं, लेकिन सच सच ही है। खुदा से बड़ा कोई सच्चा नहीं और इस पाक कलाम से बड़ा कोई सच नहीं है। इसको पढ़े और इस पर अमल करने वाले हों। उसके बाद आदिल अमीन के बहुत खूबसूरत दो शेर, कोई था पूछने वाला ना उसको देखने वाला। ये बड़ी अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छा, जो हमारे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। कोई था पूछने वाला ना उसको देखने वाला, वहां का हर बशर दौलत को माथा टेकने वाला। बिल्कुल, ये एक बच्चे के लिए उसने, आदिल अमीन साहब ने शेर लिखे हैं कि हमारे मुल्क में गुर्बत को कौन ही जानता है, अगर कोई थोड़ी बहुत अकल रखता है तो वो भी दौलत मर्ग को, दौलत के बंदों को ही पुजारी है, उनकी पूजा करता है, उस मालिक की पूजा नहीं करता। बातें तो सारी, वहां का हर बशर दौलत को माथा टेकने वाला, गली के सारे बच्चों को बड़ी हसरत से तकता था। एक गरीब बच्चा, अमूमन जो अच्छे बच्चे अच्छी पोजीशन में या स्कूलों में जा रहे थे, तो गरीब बच्चा बड़ी हसरत से उनको देखता है कि काश मेरे माँ बाप या मेरे बड़े बड़ों में इतनी हिम्मत होती कि मैं भी इन जैसा बच्चों के साथ यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता। गली के सारे बच्चों को बड़ी हसरत से तकता था, सड़क पर मर गया बच्चा खिलौने बेचने वाला। क्या बात, सोचने वाली बात है कि एक बच्चा जिसको स्कूल जाना चाहिए था, जिसके हाथ में कलम दवात होनी चाहिए थी, जिसके गले में बस्ता होना चाहिए कि वो स्कूल जाए, तालीम हासिल करे, वो पता नहीं किस मजबूरी के साथ खिलौने बेचता था कि शाम को जो भी टका पैसा लेके जाए अपनी माँ को देता कि शाम को उसके घर में दाल रोटी पक सके। और इसी मजबूरी के साथ वो सड़क पर मर गया बच्चा खिलौने बेचने वाला। किसी को परवाह भी नहीं कि एक बच्चा, गरीब बच्चा खिलौने बेचने वाला वो मर गया है सड़क पर ही। सैमसन सोत्रा ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, किसी भी इंसान को दोबारा ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि आप इसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं, कि आप उसको जिंदगी में कोई जगह नहीं। मोहब्बत अपनी जगह पर, बिल्कुल मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन अगले इंसान की मिन्नतें करना और अपनी जात को बेमोल करना खुद के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। बिल्कुल, क्यों हम दूसरों को मिन्नतें करके अपने आप को कमजोर करते हैं, अपने आप को गिराते हैं, अपनी जात को नीचा दिखाते हैं? तो कोई इंसान आपको धतकारता है तो ये इस बात का वाज़े सबूत है कि ना तो उनके दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत है, ना इज्जत, और इस खाली जिंदगी में मोहब्बत हो ना हो, इज्जत जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, एक दूसरे की इज्जत होनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे आज हम सियासत में हैं, लीडरान खास तौर पर, हम क्या लोगों को सबक दे रहे हैं, आने वाली नस्ल को क्या सबक दे रहे हैं, क्या इज्जत दे रहे हैं, जब उनके सामने आप झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गाली क्लोज तक कर रहे हैं। तो क्या ये क्या दे रहे हैं हम अपने माशरे को, आने वाली नस्ल को? कुछ नहीं, सिर्फ जिल्लत
और कुछ नहीं। और ये जो जिसके लिए जो गड़ा खोदता है वो उसमें जरूर गिरता है। आज हम दूसरों के लिए ये कुछ कर रहे हैं तो एक वक्त आएगा, आपके सामने मसाल है, तो एक वक्त आएगा कि आप भी उस कुएं में या उस घड़े में गिरेंगे। तो जागने की बहुत खूबसूरत एक और पोस्ट सैमन सूत्रा की, जागने की बेहतरीन जगह अपना गृहबान है। जागने की बेहतरीन जगह अपना गृहबान है और रहने की जगह अपनी औकात है। बिल्कुल, हमें अपने औकात में, हमें अपने आप में रहना चाहिए, हमें अपने आप के गृहबान में जागना चाहिए कि हम क्या है। हम अपने आप को बड़ा चढ़ा कर क्यों बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हम होते नहीं। लेकिन झूठ का सहारा लेकर, नाफकत का सहारा लेकर हम दूसरों के सामने आपको बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत खूबसूरत पोस्ट बरतानवी सियासतदान जेन ग्रेगन ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सियासतदानों को क्या कहा, ये बड़ी अच्छी पोस्ट है। आप सब अपनी आंखों से ये सब कुछ देख भी रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सियासतदानों को क्या कहा, हमारे सारी पंजाब के हायर एजुकेशन बजट में आपने 3.5 करोड़ पाउंड गायब किए, तुम्हारी इज्जत लबास तुम्हारा काफी ज्यादा है। क्या बात, 3.5 करोड़ पाउंड बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम जो सिर्फ एजुकेशन के लिए फंड दिया गया और वो खा गए। और लिखा है कि तुम्हारा, तुम्हारी इज्जत लबास तुम्हारा काफ ज्यादा है। वो सफेद जो लट्ठे दे कुर्ते पाने ने तो उन्होंने काफ देने उत्ते काली जड़ी कोटी पाने ने मुतल्ले को कह रही है कि तुम्हारा लबास काफ ज्यादा है। उंगली में सारी उंगलियों में सोने की अंगूठियां हैं, ये भी सच है। पजारों पर आप सवार हैं, बिल्कुल सच है। मगर मांग आप भीग रहे हैं, सच्ची बात। 1947 से लेकर आज तक भीख मांगते रहे हैं, बड़े दावे किए गए, हम घास खा कर जी लेंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, लेकिन हम किसी से मांगे नहीं। अभी भी जो भी हुकूमत आएगी सबसे पहला बयान यही होगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने खजाने खाली कर दिए हैं, तो फिर कैसे, फिर भीख मांगने शुरू हो गए, फिर कशकोल, फिर हाथ दूसरों के सामने फैलाना शुरू कर देंगे। उंगले में सोने की गुठियां, पेजारों पर आप सवार हैं, मगर मांग आप भीग रहे हैं। मां गदागरी करती है, क्या बात, मां मांग रही है, भीख मांग रही है, साहिबजादा घोड़ों के सौदे कर रहा है, क्या बात, मां तो भीख मांग रही है और साहिबजादा उनका बच्चा जो एक माँ गरीब भीख मांगती है तो उसके पैसों से वो सौदे कर रहा है, घोड़ों के सौदे कर रहा है। कशकोल तोड़ने के आपने दावे तो किए थे, कशकोल तोड़ने के तो आपने दावे तो किए थे, मगर भीख मांगकर मजे उड़ाने की लत जब पड़ जाए तो कशकोल कौन तोड़ता है। बिल्कुल, ये मुझे याद है, मेरे ख्याल अभी 13 में जब इलेक्शन हुए तो बड़े दावे किए नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब, आज भी दावे पे दावा किए जा रहे हैं, लेकिन कशकोल तोड़ने की बात कौन करता है। आज अरबों में खेल रहे हैं तो किस वजह से, गरीब लोगों का पैसा खाकर झूठ पे झूठ बोले जा रहे, इतना कच्च होने के बावजूद भी लीडरान झूठ में झूठ बोले जा रहे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए, इंसान के लिए,
मुल्क के गरीब आवाम के लिए सोचें। खुदा आप जब आपको इज्जत देता है तो फिर आप उस इज्जत को इज्जत नहीं समझते, फिर अपने गरीबान में नहीं जाते, फिर हम बल्ले बल्ले फिर हम अपने आप को खुदा समझते हैं, बादशाह समझते हैं, मुल्क का खात्मे आला समझते हैं। हालांकि खिदमत का कोई काम मैंने नहीं देखा। अभी मैं एक पोस्ट पढ़ूंगा आपके सामने। हाँ, वो पोस्ट आ गई, ये ज़ेबा गिल, ज़ेबा बहन न्यूयॉर्क में है, असली खादम आला पंजाब, जो वक्त है असली खादम आला पंजाब के थे, लाहौर को जिद्दत देने वाले, लाहौर को जिद्दत देने वाला पंजाब का अजीम सपूत सर गंगाराम के कुछ अहम कारनामे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो है सर गंगाराम, शुक्र अभिता को उसका नाम नहीं उन्होंने तब्दील किया, तो सर गंगाराम ने बहुत बड़े काम किए। वाकई वो खात्मे आला था, बातों से नहीं खात्मे आला था, उसने काम किया। उन्होंने लिखा एचिसन कॉलेज का डिजाइन और तमीर जनरल पोस्ट ऑफिस का लाहौर का डिजाइन, ये मैंने देखे म्यूजियम के अंदर जाकर, बहुत खूबसूरत एक हिस्टोरिकल जगह है। तो ये किसने डिजाइन किया? सर गंगाराम ने। उसके बाद मेयोस स्कूल आर्ट्स, मेरे नाना जिसके पहले सातसा में थे, एक थे उसका डिजाइन और तमीर लेडी मैकलकन स्कूल डिजाइन, मेयो अस्पताल के अल्बर्ट विक्टर वेंकी तमीर हेले कॉलेज का डिजाइन, ये सब सर गंगाराम के कारनामे, जिनको हम वाकई कह सकते हैं कि ये खादमे आला है। रावी रोड हाउस फादर फॉर डिसबिलिटी की तामीर लेडी मेरी नेस्ट इंडस्ट्रियल स्कूल की तमीर मॉडल टाउन का डिजाइन, जिसमें हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हमारा घर मॉडल टाउन में है, ये डिजाइन किसका था? सर गंगाराम का। रनाला खुर्द रेस्ट हाउस की तामीर अपने खर्चे से करवाई, रनाला खुर्द पावर हाउस की तामीर अपने जेब के खर्चे से करवाई। पठान, ये बड़ी बहुत बड़ी बात, पठानकोट से अमृतसर तक के रेलवे ट्रैक की तमीर अपने जेरे निगरानी करवाई। और सबसे बड़ा जो वाक्य, और सारे बहुत खूबसूरत बातें, बहुत बड़ी बात है, और आखिर में जो बहुत बड़ा कारनामा है वो है 2,00,000 एकड़ जमीन अपने खर्चे पर सरसब्ज खेतों में बदल दिया। ये सर गंगाराम का बहुत बड़ा कारनामा, 2,00,000 एकड़ जमीन, जो जमीन सेम सदा थी उसको खूबसूरत बना दिया, सरसब्ज बना दिए। ये खादमे आला के काम है, बातों के झूठों झूठ से मुनाफकत से नहीं, असल में उन्होंने ये कारनामे किए। उसके बाद से बगल लिखती है बहुत अच्छे, मेरे मसीह भाइयों और बहनों अपने वोट की ताकत को पहचानो, अब की बार कोई वोट मांगने आए तो साफ इनकार कर दो, जो आपको तहफ्फुज़ नहीं दे सकते उनके हाथों इस्तेमाल ना हो, ये हर सियासी पार्टी का बायकॉट करें, खसूसन बिल्कुल जो भी आपसे वोट मांगने आता है उनसे बात करें, भाई हमारे लिए क्या कर रहे हो, हमारे मोहल्ले के लिए क्या, कराची का देखे क्या हो रहा है, इतना गंद पानी नहीं है, गटर उबल रहे हैं, लेकिन हम उसको लाहौर बना देंगे, हम उसको पेरिस बना देंगे। तो ये कैसे पेरिस बना दोगे भाई, जब आवाम के साथ कुछ अच्छा काम ही नहीं हो रहा तो क्या करोगे तुम? ये सब झूठ और मुनाफकत की सियासत नहीं। और ज़ेबा बहन जो कह रही आपसे कि सोच समझ कर वोट दे, और मैं भी अपने हर आखिरी प्रोग्राम में ये कहता हूँ,
कि खुदारा सोच समझ के सब कुछ करना। उसके बाद बेनजीर जेलों से सवाल करती है, बेनजीर शहीद जेलों से सवाल करती है, मेरे नाम पर वोट मांगने वालों से ये पूछो कि मेरे कातिल कौन थे। बिल्कुल बेनजीर के नाम से उनका बेटा भी मांग रहा है, उसका उसका हस्बैंड भी मांग रहा है जिसकी 5 साल हुकूमत रही लेकिन उसके कातिल को उसने नहीं पकड़ा। कैसा हस्बैंड अगर वाकई उसका नाम इस्तेमाल करके, तो प्रेसिडेंट तो बन गया, पार्टी का लीडर तो बन गया, लेकिन क्या उसने बेनजीर के कातिलों को पकड़ा? उससे बड़ा कौन हो सकता जो कातिल पकड़ सकता है। लेकिन सब झूठ की सियासत है। अगर आपका कोई वजीर या मेंबर करप्ट है तो फिर आप उनके वोट दे रहे हो तो असल मुजरिम आप। बिल्कुल अगर आप फिर उन्हीं को वोट दे रहे हैं जिन्होंने 5 साल आपको पूछा ही नहीं, करप्शन की, करप्शन पे करप्शन की, लूट मार पे लूट मार की, तो अगर हम फिर उनको वोट दे रहे हैं तो वो मुजरम नहीं, हम मुजरम है क्योंकि हम मुजरम को फिर आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। योहन्ना बात का मैं कल देख रहा था, अटक में कुछ ऐसे फैसले देख रहे थे कि नून लीग के जलसे करवा रहे हैं, तो यहन्ना बात के वालों को 5 साल में कितना इंसाफ मिला? जो लोग बेगनो आपके पकड़े गए, क्या उनको 5 सालों में नवाज शरीफ ने या खादमे आला शहबाज शरीफ साहब ने या आपके इलाके के जो भी एमएनए या कामरान माइकल साहब ने, क्या आपके आपको वो जो बम ब्लास्ट पे उसके कातिल पकड़े, या वो जो जेल में है वो उनको रिहा किया? तो फिर हम वही एक बार फिर हम उस तारीख को दोहरा रहे हैं कि हम उन लोगों को फिर आगे लाकर हम खुद मुजरम बनने वाले हैं। जान मंटो मौजूदा हालात में बहुत अच्छा ये बात उन्होंने लिखी कि खबरों पर जज्बाती तबसरों से बचें। बिल्कुल जज्बाती तबसरों से बचें, प्रोपेगंडा तबाही का जरिया होती है। बिल्कुल झूठा प्रोपेगंडा जो होता है वो तबाही का जरिया होती है, हमें उनसे बचना चाहिए, सोच समझ कर कोई फैसला करना चाहिए। तो बाज दफा हकीकत की खबर के बारक्स होती है। बिल्कुल जो हकीकत होती है वो खबर उसके बारक्स होती है। तो आज का शो जो मेरा इंसानियत के हवाले, इंसानों के हवाले से, आज की सियासत के हवाले से, अपने मुल्क के सियासत के हवाले से, जहां पर अमन अमान का फुकदान है, जहां पर दहशत गर्दी है, हमें हर चीज को सोच समझ कर चलना चाहिए। क्योंकि वोट का हक जो भी इन मुल्कों में जहां पर मैं बैठा हूं, जो प्रेसिडेंट वादा करता है 100% नहीं तो 75% तो जरूर उन पर अमल करता है, और इसी वजह से वो 5 साल फिर पूरे करता है और लोग फिर उसको अगले 5 साल के लिए चुन लेते हैं कि इसने अपने वादे पूरे किए, इसने अच्छे काम किए और अच्छे काम कर रहा है। तो हम क्या काम भी नहीं करते, करप्शन करते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं और हम फिर तवक्को करते हैं कि हम फिर 5 साल के लिए हुकूमत करें, लेकिन कसूरवार हम होते हैं। तो ये बिल्कुल होगा, हो रहा है कि हम फिर उन्हीं लोगों को चांस देंगे जिन्होंने मुल्क को लूटा और लूट रहे हैं। तो खुदा आप सबको बरकत दे, हम सबको अपनी हिफाजत हो पनाह में रखे, हमारे मुल्क को दहशत गर्दी से बचाए, हमारी मसीही कौम को भी अकलो दनाई दे कि हम अपने लिए कोई अच्छा खादमे आला लाने वाले बने। तेरा तो आज का मेरा शो इख्तिताम पजीर होता है। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।